सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा नजफगढ़ व आसपास के क्षेत्र का दौरा किया गया। सांसद प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ बाजार में व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को सुन संबंधित अधिकारियों को उस समस्या के निदान का निर्देश भी दिया। साडा हक एथे रख। सांसद जी, एमसीडी के मेयर, अधिकारियों के साथ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी थे। एमसीडी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के अधीन आती है, तो एमसीडी से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका समाधान तो शीघ्र हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली सरकार है निजामगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मार्च के अंदर संपैल का निर्माण हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, अब तक संपैल का कनेक्शन नहीं हुआ। आज 30 अक्टूबर तक का उन्होंने वायदा किया है। इसके अलावा आप देखिए, जल बोर्ड ने, उनके आशीष भट्ट वगैरह थे, किस तरह से निजामगढ़ को रौंद दिया है, उस सारे निजामगढ़ को फोड़ के डाल दिया। सारे कार्यकर्ता साथ में थे, सांसद जी साथ में थे, हमारे पार्षद साथ में थे, एमसीडी की सारी सरदारी साथ में थी, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारियों से जवाब देता नहीं बना। उन्होंने एक जगह कहा कि हमने सारी लाइनें डाल दी, पर उसके बाद जब मुआयना किया तो कई जगह भी खुदाई चल रही है। उन्होंने दिवाली तक इसको पूरा करने का वायदा किया, लेकिन आप सोचिए, बाज़ार के अंदर, मेन बाज़ार जो पूरे देहात का है, उसके अंदर अगर 86 सड़कें खुदी हुई होंगी तो कैसे ग्राहक आएगा, कैसे व्यापार होगा। एक समस्या उनके सामने रखी कि झड़ोदा से जो रोड आता है वो सोम बाज़ार में एंट्री नहीं करता, उसके लिए कोई अंडर पास या सर्कल बनाया जाए जिससे ग्राहक अंदर आ सके। सांसद जी ने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा, और वो ट्रैफिक के अंडर में आता है, हमें लगता है शीघ्र अतिशीघ्र उसका होगा। एक बहुत बड़ा विषय जो निजामगढ़ की मेन लाइन कह सकते हैं, लाइफ लाइन कह सकते हैं, वो निजामगढ़ का हॉस्पिटल है जो केंद्र सरकार बना रही है। उसके लिए हमने आज हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया, हैंडबिल उसका, जिसमें सांसद जी का भी फोटो है और सांसद जी ने भी उसमें साइन किए। मुझे लगता है कि इसका दबाव बनेगा और उस दबाव के कारण शीघ्र अतिशीघ्र ये पेड़ों की परमिशन लागू होगी, जिससे कि निजामगढ़ का ये हॉस्पिटल प्रारंभ हो सकेगा। ये मैं बताना चाहूँगा कि 100 बेड का हॉस्पिटल ऑक्सीजन फैसिलिटी से ऑक्यूपाइड है, इसके अंदर ICU, CCU और उसके भी 20 बेड हैं, सारी फैसिलिटी है, सारी इमरजेंसी हैं। इसको रोकने का काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, उसके लिए आज से जन जागरण अभियान हमने प्रारंभ किया है सांसद जी के माध्यम से। एक समस्या जैन समाज की थी शमशान घाट की, उसको भी उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाइए कल, मैं उसका समाधान कराता हूँ। और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर उन्होंने भगवान महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, और अग्रवाल समाज ने भी प्रसाद पंचमी का बाटा व्रत को देखते हुए, तो बड़ा हर्षोल्लास, बड़ा उत्साह से सारे निजामगढ़ शहर ने उनका स्वागत किया। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर आएंगे तो हमारी ये समस्याएँ तो दिल्ली सरकार के हमें ताकनी पड़ती हैं, उनका मुँह नहीं देखना पड़ेगा, और ये शीघ्र अतिशीघ्र हम इसको हल कराने में सफल होंगे। जनता का दबाव सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने हक की लड़ाई है, साडा हक एथे रख। इस बात को लेकर हम दिल्ली सरकार को चिता रहे हैं कि यदि निजामगढ़ का हक उसको नहीं मिला तो आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है, अमरण अनशन भी हो सकता है। नजफगढ़ के अस्पताल को शुरू कराने के विषय में अनेकों समाज सेवी संगठनों व राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अनेकों पत्राचार ही नहीं बल्कि कोर्ट केस तक किया गया है। ऐसे में हस्ताक्षर अभियान अस्पताल को शुरू कराने में कितना मददगार होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।